उत्तर प्रदेश सियासी नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। बीजेपी के नक्शे में भी पिछले 10 साल से उसकी विशेष जगह बनी हुई है, लेकिन इस बार अगर पार्टी बहुमत से दूर रह गई है तो उसका श्रेय भी यूपी को ही जाता है। बीजेपी और सहयोगी दल के नेता चुनावी हार के लिए योगी सरकार के प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फ्रंट फुट पर मोर्चा खोल रखा है, तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंप चुके हैं। अब बारी सीएम योगी आदित्यनाथ की है, जो अपना होमवर्क तैयार करके दिल्ली आ रहे हैं और बीजेपी आलाकमान के साथ मिलकर अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की शनिवार को होने वाली गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। सीएम योगी भले ही नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली आ रहे हों, लेकिन उनकी बैठक बीजेपी के शीर्ष नेताओं से भी होनी है। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली आ रहे हैं। इसलिए सीएम योगी ने दिल्ली दौरे से पहले विधायक और नेताओं के साथ मिलकर काफी होमवर्क किया है। दिल्ली आने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर मंडल स्तर पर विधायकों के साथ समीक्षा बैठक कर सियासी होमवर्क तैयार कर रहे थे। अब तक सीएम योगी 150 से ज्यादा विधायकों से मिलकर चुनाव में हार की वजह जान चुके हैं। इस दौरान किसी विधायक ने अगर किसी अधिकारी की शिकायत की है तो उन्होंने उसका सबूत भी मांगा है। इन बैठकों में सहयोगी दलों के विधायकों को भी बुलाया गया था, जिनके साथ सीएम ने बातचीत की है और उनके मन की बात को समझने की कोशिश की है। इस तरह सीएम योगी ने 2024 की हार की वजह को समझने के साथ साथ अपना पूरा होमवर्क भी तैयार किया है। माना यह जा रहा है कि विधायकों के फीडबैक के आधार पर सीएम योगी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसे दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के साथ वो बैठक में रख सकते हैं। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं और विधायकों के साथ मिलकर उनसे बातचीत की है, और खास बात यह है कि केशव भी दिल्ली आ रहे हैं। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि सीएम योगी ने बीजेपी विधायक और नेताओं से मुलाकात ही नहीं की, बल्कि सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी मुलाकात की है और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद लोकसभा चुनाव के बाद से प्रशासन के मनमानी रवैये को लेकर नाराज थे। इसके अलावा उनके बेटे बीजेपी विधायक सरवन निषाद अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा चुके हैं। इस तरह से सीएम योगी ने दिल्ली आने से पहले गुरुवार को संजय निषाद के साथ मुलाकात की और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। इसका नतीजा है कि केशव प्रसाद मौर्य के सुर में सुर मिलाने वाले संजय निषाद अब सीएम योगी को अपना अभिभावक और मार्गदर्शक बता रहे हैं। इस तरह सीएम योगी ने सहयोगी दल के नेताओं की नाराजगी दूर करने का दांव चला है। इसी तरह कांवड़ यात्रा के आदेश का विरोध करने वाले आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी के विधायकों के साथ भी सीएम योगी ने बैठक की और उनके मिजाज को समझने की कोशिश की है। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम विपक्षी दलों के विधायकों से भी मिल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू विधानसभा सीट पर 2022 में चुनाव हराने वाली पल्लवी पटेल से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात करके सियासी संदेश देने की कोशिश की है। पल्लवी पटेल सपा से विधायक हैं और अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की बहन है। इस तरह योगी ने अपने एक दांव से 3 संदेश देने की कोशिश की है। एक तरफ पल्लवी से मिलकर सपा को संदेश दिया है कि दूसरी तरफ केशव मौर्य के लिए भी मैसेज है, और तीसरा संदेश अनुप्रिया पटेल के लिए है। केशव से लेकर अनुप्रिया तक सीएम योगी पर ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा संदेश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायकों से मुलाकात के दौरान उनसे बातचीत कर रहे थे तो कई विधायकों ने अफसरों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। इस पर सीएम योगी का कहना था कि अफसरों के खिलाफ शिकायत है तो सबूत लाओ, उनके खिलाफ मैं सख्त एक्शन लूंगा। ऐसे में कई विधायकों की शिकायत पर कार्रवाई भी हुई है। योगी सरकार लगातार यूपी में डीएम एसपी ही नहीं बल्कि एसडीएम का भी ट्रांसफर कर रही है। यहाँ एक घटना और घटी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 15 जुलाई को पत्र लिखकर योगी सरकार से संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली नियुक्ति में आरक्षण के नियमों का पालन और उसकी सही सूचना मांगी थी। इस पर सीएम योगी ने सूचना विभाग के आंकड़े तो जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग में 676 में से 512 आरक्षित वर्ग के आउटसोर्सिंग से कर्मचारी हैं। इसमें 340 सिर्फ ओबीसी वर्ग के हैं। यह संख्या 75% के आसपास है, जबकि अभी आउटसोर्सिंग में आरक्षण का कोई नियम लागू नहीं है। इस तरह योगी सरकार जल्द ही विभागवार आउटसोर्सिंग में दिए गए आरक्षण का डेटा भी जारी कर सकती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। पहले विधायकों और जनप्रतिनिधियों को मुलाकात के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब कोई भी जनप्रतिनिधि अगर मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त मांगता है तो मुख्यमंत्री ना सिर्फ तुरंत वक्त दे रहे हैं बल्कि मुलाकात भी कर रहे हैं। इस तरह से सीएम योगी ने विधायकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। बीजेपी और सहयोगी दल के ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों के विधायकों और नेताओं से भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष तक भी सीएम योगी से मिलने पहुंच रहे हैं। इस तरह से सीएम योगी पूरा होमवर्क तैयार करके दिल्ली आ रहे हैं और अब ये देखना होगा कि योगी जो रिपोर्ट कार्ड दिल्ली में पेश करेंगे उस पर केंद्रीय नेतृत्व आखिर क्या एक्शन लेता है। इस कहानी को लिखा है हमारे वरिष्ठ साथी कबूल अहमद ने। मैं था आपके साथ मोहित ग्रोवर। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।